नमस्कार दोस्तों, मेरा एक दोस्त है संजीव। वो गांव में रहता है और गांव में रहते हुए वो ये मान चुका था कि गांव में कोई भी कारोबार किया जाए बहुत अधिक कमाई नहीं की जा सकती है, बहुत सीमित पैसे आ सकते हैं चाहे जो भी काम कर ले। लेकिन उसे एक उम्मीद थी कि अगर मैं यूं ही रिसर्च करता रहा तो कुछ ना कुछ कारोबार ऐसा निकल के आएगा जो मुझे 1,000 2,000 रोज का नहीं बल्कि 5,000 से अधिक की कमाई रोज का करा कर देगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वो जब रिसर्च कर रहा था तब ये खोज रहा था कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे लोगों की समस्या खत्म होती हो। इतिहास गवाह है कि ऐसे बहुत सारे कारोबार हैं जो बहुत जल्दी जीरो से जेनिथ पे चले गए हैं, जिन्होंने भी लोगों की समस्या के ऊपर काम किया है। चाहे वो ओला हो, उबर हो, कोई भी हो, अगर समस्या है लोगों की उसको सॉल्व आउट आप कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। बस खोजते खोजते संजीव को भी एक ऐसा ही आइडिया हाथ लग गया जिसको करने के बाद वो लाखों लाख रुपए छापना शुरू कर दिया। गाँव में रहते हुए सुनने में असंभव लगता है, कोई भी कारोबार हम करने चलते हैं सुनने में असंभव लगता है। जैसे कि जो लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्हें शुरू में लगता है कि कमाई नहीं होती है, लेकिन असली कमाई के बारे में वो लोग जानते हैं जो यूट्यूब पर वीडियो करते हैं। यानी कि जो यूट्यूबर नहीं है बनना चाहते हैं, शुरू में उनको असंभव लगता है कि क्या सच में इससे पैसे आते हैं, और आते हैं तो कितने आते हैं, लेकिन जो होते हैं उनको विश्वास होता है। तो कोई भी कारोबार ऐसा ही होता है, जब हम लोग उसके बारे में नहीं जान रहे होते हैं, रिसर्च के पीरियड में जब होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमें पैसे देगा कि नहीं देगा। लेकिन विश्वास कीजिए कि हर एक कारोबार पोटेंशियल भरा होता है, बस उसको सही तरीके से करना है। संजीव ने देखा कि उसके गांव में अलग-अलग मौकों पर लोग अपने घरों से दूर जाते हैं। जैसे अगर हॉस्पिटल जाना हो तो लोग अपने गांव को छोड़कर किसी दूर शहर में बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम देना हो और 10-15 स्टूडेंट एक साथ हो तो वो लोग भी एक ग्रुप बनाकर सेंटर पर जाते हैं अपने घर से दूर। या फिर कोई ऐसा मौका हो जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक साथ जाना हो, वहाँ पर बसों को पकड़ के शेयर टैक्सी हो गई, या ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों साधनों के माध्यम से वो जिस जगह पे जाना होता है वहां पहुंचते हैं। लोगों की समस्या को देखते हुए संजीव ने ऐसा क्या आइडिया निकाला जो उसको रोज हजारों और महीने का लाखों रुपए कमाकर देने लग गया था, तो वो मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूँ। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आपका जो मोबाइल फोन है, क्या वो आपको 2,000 3,000 रोज कमाई करके दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो मेरे साथ जुड़िए, काम कीजिए, विशिंग वेबसाइट बनवाइए। मात्र 1,700 रुपये में लाइफ टाइम के लिए आपको दी जाएगी शुभकामना वाली वेबसाइट। अलग अलग पर्व के मौके पर वेबसाइट के ऊपर अलग अलग पर्व अपडेट किए जाएंगे। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब आपको पर्व वहाँ नहीं दिखाई देगा। 365 दिन के अंदर 500 से अधिक पर्व है हमारे देश के अंदर। धार्मिक पर्व हो गया, राष्ट्रीय पर्व हो गया, इन सारे मौक़ों पर लोग बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। अब आपको भी करने की ज़रूरत है। आपकी जो वेबसाइट होगी उसको तुरंत मोनेटाइज करके ही आपको दिया जाएगा। मोनेटाइज का मतलब है कि आपकी कमाई शुरू हो जाएगी मात्र 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट में आपकी वेबसाइट को मोनेटाइज करके ही आपको दिया जाएगा। बहुत लोगों को डाउट होता है, तो एक बात बताइए, यूट्यूब जैसे खुलेआम बोलने वाले जगह पे, प्लेटफॉर्म पे, क्या गलत बातें बताई जा सकती है? ये वेबसाइट अगर आपको अर्निंग कराकर नहीं देती तो मैं ऐसे खुलेआम बैठकर अपने स्टूडियो में इस ओपन प्लेटफॉर्म पे आपसे चर्चा नहीं कर रहा होता। काफ़ी बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का घर बैठे बैठे, वेबसाइट, यूट्यूब और एप्लीकेशन। तो यूट्यूब तो ठीक है, अपनी जगह है, एप्लीकेशन और वेबसाइट से आप कमाई कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैं आपको दूंगा। अगर आप शुभकामना वाली वेबसाइट 1,700 में बनाएंगे तो मैं आपको प्ले स्टोर पर आने वाले गेम के एप्लीकेशन को फ्री में दूंगा। तो बिल्कुल आप बनवाइए। बनवाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, नंबर भी है। लिंक को जब आप क्लिक करेंगे सीधे व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर हमारा चैट खुलेगा। वहां लिखिए मुझे विशिंग वेबसाइट चाहिए, शुभकामना वाली वेबसाइट चाहिए, मात्र 20 मिनट में आपके नाम पर बनाकर मोनेटाइज करके ही आपको दी जाएगी। तो घर बैठे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तरीके से कमाने का जो ये आइडिया है, इसको जरूर आप लोग शुरू करें। चलिए आज के बिजनेस पर आता हूँ। जो समस्या उसने देखा कि लोग अपने घरों से दूर जा रहे हैं लेकिन जाने के लिए साधन नहीं है। अब वो मार्केट में जाकर, मतलब अपने गाँव में ही जाकर, अपने गाँव के बगल के गाँव, अगल बगल के 10 20 50 गांवों में घूम घूम कर अच्छे से समय लिया वो, और ये पता किया कि किनके पास गाड़ियां हैं, चार चक्का गाड़ी या फिर तीन पहिया गाड़ी, जैसे ऑटो हो गया, स्कॉर्पियो, बोलेरो या फिर पिकअप हो गया, ट्रैक्टर की भी डिमांड होती है, वो भी पता करने लग गया। टाटा की 407 एक ट्रक, मिनी ट्रक आती है वो है। बहुत सारी गाड़ियों का उसने लिस्ट बनाना शुरू किया, ओनर का नाम लिखा, किनकी गाड़ी है, कहाँ के हैं, उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ वो लिखना शुरू किया।
और उनको बोला कि आप अपनी गाड़ी को भाड़ा पर चलाते हैं, अगर हाँ तो हाँ ही चलाते हैं, ये ठीक बात है, अगर नहीं चलाते हैं तो चलवाइए। अब जो ओनर थे गाड़ी के, वो सोचे कि हर महीने मेरी गाड़ी भाड़ा पर तो जाती ही है, अब जो मैं अपने पोटेंशियल से ग्राहक लेकर आता हूँ भाड़ा पर ले जाने के लिए, वो तो अपनी जगह है। अगर संजीव के माध्यम से अगर और कस्टमर, अगर 5 कस्टमर भी 1 महीने के हिसाब से अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो वो मेरी अतिरिक्त कमाई होगी, एक्स्ट्रा कमाई होगी, ये सोच रहे थे गाड़ी ओनर। सभी ने इनके साथ डील कर ली, संजीव के साथ, और संजीव ने एक वादा वहां करवाया सबसे कि 30% का वो मुनाफा जो भी तय होगा भाड़ा उसका वो रखेगा। बात तो वो 50% का कर रहा था, लेकिन 30 पर जाकर बात बनी कि 30% जो भी भाड़ा होगा वो उसका रखेगा। जैसे अगर 5,000 में कोई गाड़ी बुक हुई है तो उसका 30% 1,500 रुपये ये संजीव के पास आएगा, 4,000 का है तो 1,200 रुपये संजीव के पास आएगा। इस तरीके से डील हो गई। अब दोस्तों आप तो जानते हैं कि हॉस्पिटल में ले जाना हो किसी पेशेंट को, या स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है वो सेंटर पे जाने चाहते हैं एग्जाम देने के लिए, वहां हो तो सभी लोग गाड़ी को भाड़ा करके लेकर जाते हैं। ज्यादा उसकी जो डिमांड होती है गाड़ी की वो है ऑटो, ऑटो की डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि वो माइलेज अधिक देती है, कम खर्चीली होती है, उसका भाड़ा भी कम ही लगता है, तो लोग ऑटो को भी प्रेफर करते हैं। आज की तारीख में हर महीने वो 1,00,000 1.5 लाख रुपए इससे कैसे बना पा रहा है, ये वही समझता है। इस बिजनेस को अगर आपने सच में अगर रिसर्च किया तो आप देखेंगे कि लोगों की जरूरत पूरी हो रही है। अब हर किसी के पास 4 चक्का गाड़ी नहीं है, लेकिन कहीं जाने की जरूरत हर किसी के पास है, तो क्यों ना उनको जिनके पास गाड़ी है और उनको जिनके पास गाड़ी नहीं है मिला दिया जाए। वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन बीच में अगर आप आ जाते हैं तो आप भी पैसे बनाएंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गाड़ी वाले को सही से जानते नहीं। जैसे एक गांव में अगर 10 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ी वाले हैं, तो उस गांव के लोग उन्हीं को जानते हैं। 20 गांव अलग हटके किनके पास गाड़ी है, सबके पास ये नॉलेज नहीं होती, लेकिन अब संजीव के पास ये नॉलेज है, तो वो बताता है कि गाड़ी मिल जाएगी आपको अगर आप सही भाड़ा देते हैं और मेरे से संपर्क करते हैं। तो इसके लिए उसने प्रिंटिंग प्रेस में जाकर बहुत सारे बैनर, पोस्टर, हैंडबिल्स वगैरह छपवाए, सभी जगह बंटवा दिए, चौक चौराहों पर लगवा दिए, और टूर एंड ट्रेवल्स करके उसने कंपनी की शुरुआत करी, अपना नाम दिया, और आज की तारीख में वो बेहतरीन कमा रहा है। उसके मुनाफे का आप आकलन कुछ इस कदर कर सकते हैं कि टेम्पू जो है ऑटो, वो एक दिन में 5 से 7 8 टेम्पू ऑटोज मार्केट में उसकी चलती रहती है। और अगर 300 रुपये भी अगर आप उससे मुनाफा उसका जोड़ते हैं, तो देखिए ना कि आप आराम से 1,500 2,000 रुपये तो सिर्फ वो ऑटो भाड़े से कमा रहा है, ऑटो वाले अपना कमा रहे हैं। अगर 1,000 रुपये में टेम्पो अगर कहीं जाती है, अगर वहीं 500 रुपये में भी टेम्पो जाती है, तो उसका 30% ही ले लीजिए, ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन उतना ही वो कमा रहा है। 100 150 200 रुपये अगर वो कमा रहा है तो भी बढ़िया कमाई कर रहा है। अभी उसने 2 3 महीने तक कंटिन्यू काम करने के बाद एक बोलेरो भी उसने अपनी ले ली, उसको लगन के मौके पर, जैसे शादी ब्याह का मौका होता है उस टाइम पे, या फिर अलग अलग ओकेजन पे लोगों को जाना होता है, खुद ड्राइव करके अपने से भाड़ा कमाना शुरू कर चुका है। उसका टारगेट है कि बहुत जल्दी वो 5 10 20 50 गाड़ियों का ओनर होगा, खरीदेगा अपनी गाड़ियां, मार्केट को देगा, चलाएगा। धीरे धीरे वो टूर एंड ट्रेवल में अपने को बहुत बड़ा स्थापित करना चाहता है। विचार कीजिए इस कारोबार के बारे में, और जो विशिंग वेबसाइट के बारे में बताया था उसके बारे में विचार कीजिए। अच्छी कमाई आप घर बैठे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, क्लिक करें, हमें मैसेज करें, विशिंग वेबसाइट बनवानी है, जरूर आपको बनाकर दी जाएगी। दोनों बिजनेस के बारे में विचार कीजिए, देर मत कीजिए, अपने स्तर से इसको रिसर्च कीजिए और जल्द ही मार्केट में आइए। 20 मिनट में वेबसाइट आपकी बनेगी, जरूर बनवाइए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।